नमस्ते दोस्तों, आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे पास सुबह उठते ही इतने मैसेज आते हैं जिसमें हमें बहुत सारा ज्ञान दिया जाता है, जैसे समान रहना है, सुख हो या दुख हो, गर्मी हो या सर्दी हो, मान हो या अपमान हो। हम सब जानते हैं ये ज्ञान हमने कई बार सुना है और रोज सुनते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, और अगर होगा तो भी हम ये समझते हैं कि आज के ज़माने में ये संभव नहीं है और आज के इस टाइम में ये चलना नामुमकिन है और चलना नहीं भी चाहिए। ये भी एक मान्यता हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज के सीक्रेट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको प्रैक्टिकल लाना ज़रूरी है और उसको कैसे लाना है। तो इसी खूबसूरत बात के साथ आपका आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है, और हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शांति। ओम शांति। तो जैसे हम बात कर रहे थे भगवद गीता के 12वें अध्याय की, और जिसमें आपने ये बात बताई कि एक भक्त के क्या लक्षण होते हैं जब वो भगवान के प्यार में खो जाता है, और कुछ गुणों को हमने देखा था पिछले कड़ी में। जैसे मैंने बताया कि मान अपमान और सब में सुख दुख में समान रहना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है जो मैंने बात की ओपनिंग में ही, कि जरूरी है क्या आज के जमाने के अनुसार इनमें सेम रहना, और अगर है तो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाना पड़ेगा। देखो, जरूरी है कि नहीं ये आपको ही डिसाइड करना है। परमात्मा ने हर एक को फ्री विल दी हुई है ना, कैसे जीना है आपको डिसाइड करना है। हमारे पास लोग तभी आते हैं जब इन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं और उनको अल्टीमेटली ये पता चलता है कि कहीं तो हमारे अंदर दिव्य गुणों की कमी है, कहीं तो हमको बैलेंस होना जरूरी है जी। और वो बैलेंस रख नहीं पाते हैं, और यहाँ पर जो लक्षण बताया है ये बैलेंस्ड व्यक्ति के लक्षण है। देखो, भले कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, जानते नहीं है, लेकिन वो इसको बात को जरूर एक्सेप्ट करते हैं कि बैलेंस पर्सनालिटी होना चाहिए। ये तो सभी मानते हैं ना कि बैलेंस होना चाहिए। और जो बैलेंस छूटता है तो उनको भी पता चलता है कि हमसे गलतियां होती है जब बैलेंस जाते हैं। तो पूरा स्पिरिचुअलिटी को अगर एक शब्द में बताया जाए तो उसका शब्द है बैलेंस या संतुलन जी। और ये संतुलन रखना ही कला है, ठीक है ना। कुछ लोगों में नेचुरली होती है, कुछ लोगों को पुरुषार्थ करता है, कुछ लोगों को ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन इससे अपना लाइफ इजी हो जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि जिंदगी आसान नहीं होती, उसको आसान बनाना पड़ता है जी। ठीक है ना, आप 21st सेंचुरी में कलयुग में हो जहाँ पर चारों तरफ चैलेंजेस है, तो उसमें अगर आप बैलेंस नहीं रहेंगे जिस तरह से, तो आपको प्रॉब्लम को सरफेस करना पड़ेगा। उस समय आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए जी, है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जरूरत है इस समय की, और ये गुण हमारी सेफ्टी का साधन है। हमने पहले भी देखता है कि सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है, है ना। तो ये पेपर सबके सामने आते हैं, लेकिन हमको अगर उसमें स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, इन्फ्लुएंस प्रूफ रहना है, प्रभाव मुक्त रहना है, तो ये गुणों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। हमने देखा कि जिनके अंदर ये नहीं है, दे आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। ये हमको कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर देते हैं, तो क्यों ना हम इनको धारण करें, ठीक है ना। तो देर इज नो क्वेश्चन कि इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यस, बहुत लोग, कम लोग होते हैं जो डिनायल मोड में रहते हैं कि नहीं करना है। हाँ, नहीं करना है, लेकिन अंदर से वो भी रियलाइज करते हैं कि इसके बगैर रहना मुश्किल है ना, लाइफ विल बी टफ और बहुत तकलीफ होगी। इसलिए इन गुणों को तो लेना ही है। जो हमने पिछली बार श्लोक देखा, उसके बाद जो 14वां श्लोक आता है कि संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, माना वो जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटीज नेचुरली आने लगती है, और उसमें का एक गुण जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो है संतुष्टता। अभी संतुष्टता को निगेटिवली नहीं लेना है। संतुष्टता माना ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत है, वो संतुष्टता बहुत ज्यादा उनके अंदर मोटिवेशन नहीं रहता। अगर संतुष्ट हो जाते तो जो है ठीक है, कुछ आगे करना है ऐसा उनके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती। तो संतुष्टता का ये अर्थ नहीं है। संतुष्टता मीन्स जो मैंने समझा है वो एक्सेप्टेंस ऑफ द आउटकम, ठीक है ना। अच्छा, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहना चाहिए नई नई बातें करने का। अभी हम नए नए प्रोजेक्ट्स लेते हैं और जरूरी नहीं हर बार आपको सफलता मिले, है ना, जैसा आप चाहते हो, लेकिन उसमें भी आप एक्सेप्ट करें। तो हमको परमात्मा शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात जो बताई, जो मुझे दिल को बहुत पसंद है, मैं इसके ऊपर काफी सोचता हूँ, वो माना परमात्मा ने हमको बताया कि स्पिरिचुअलिटी का आधार जो है वो है पूरा
अगर आप तो चलो योग नहीं लगता, बड़ी बड़ी बातें आप नहीं कर सकते, ये शास्त्र नहीं समझते हैं, या ज्ञान की गहराई में नहीं जाते, सब कुछ छोड़ दो। हमको परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा तन के द्वारा ये बताया कि केवल एक ही पुरुषार्थ करो, और वो है दुआएं दो और दुआएं लो। इसके अंदर पूरा फिलॉसफी पूरा आ जाता है अभी। पर ये कौन कर सकता है जो संतुष्ट है? और संतुष्टता के लिए हमने देखा कि तीन सर्टिफिकेट हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया, और एक बहुत डीप फिलॉसफी है, बहुत डीप मनोविज्ञान है कि एक आपको स्वयं से संतुष्ट रहना है। हाँ कई बार क्या होता है कि बाकी सब मेरे से संतुष्ट है, लेकिन मैं खुद अपने आप से संतुष्ट नहीं हूँ। जी मैं सबको अच्छी तरह से मैनेज कर लेता हूँ और सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, और मेजोरिटी खुश भी है, लेकिन मैं स्वयं से ही नाराज हूँ। तो स्वयं से संतुष्ट होना बिगिनिंग है मेरे हिसाब से। दूसरा जो परमात्मा ने बताया कि दूसरों से संतुष्ट रहे, और तीसरा परमात्मा भी आपसे संतुष्ट होना चाहिए। तो ये तीन सर्टिफिकेट जो लेते हैं वो नंबर वन पोजीशन पे जाते हैं। तो संतुष्टता का, स्वयं से अगर संतुष्ट रहना है, तो सबसे पहला कि जो भी मेरे बिलीफ सिस्टम है, मैंने वैल्यू सिस्टम है, या यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में जो हमको परमात्मा की श्रीमत मिली हुई है, जी उसको आप वायलेट नहीं करो। क्योंकि जब भी हम उस श्रीमत को या अपने बिलीफ सिस्टम या वैल्यूज के अगेंस्ट में जाते हैं ना, तो हमारी संतुष्टता की परसेंटेज कम हो जाएगी, जी हमारा दिल खाने लगेगा। माना जो आपकी वैल्यू सिस्टम है उसके अगेंस्ट आप गए, तो आपका दिल इमिडिएटली आपको कहेगा कि हाँ, तुम एक एक अच्छे नहीं तरफ हो, का गिल्ट चालू हो जाता है गिल्ट अंदर जब फीलिंग आप आते वैल्यू हैं। सिस्टम के अगेंस्ट जाते हो। हाँ पर तो जैसे वो वैल्यू सिस्टम पर चलने के लिए एक ताकत चाहिए, हाँ क्योंकि हर बारी आपके पास वो ताकत नहीं रहती। आपके अंदर कई ट्रेट्स ऐसे होते हैं, जैसे साइकोलॉजी में भी ये चीज़ बताई हुई है कि हमारे जो ट्रेट्स है वो बाहर निकलते हैं, जो आपको वो इंटरफेयर करते हैं या आपको डिस्टर्ब करते हैं कि आपको वैल्यू सिस्टम पर चलने नहीं देते। तो ऐसे समय पर फिर कई बार वैल्यू के अगेंस्ट जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? एक फोर्स होता है जो अंदर से आता है, वो फोर्स आपको मजबूर करता है कि अगेंस्ट वैल्यू सिस्टम में जाए। तो मैं कहूंगा अगर ऐसा आप देखते भी है तो हाँ थैंक यू कहो कि अरे कम से कम पता तो चला ये ट्रेट मेरे हाँ अंदर है। वो फोर्स को आपको हाँ, पहचानना है। पहचानना है। पहला स्टेज यही होता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट इज देयर। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर का अहंकार उसको स्वीकार करने नहीं देता जी है, कि तो ये ठीक एक्सेप्ट ही करो। चल रहा है, ये यस, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। एक्सेप्ट करो कि ये है ना, उसको छिपाओ मत। हमको बाबा बार बार कहते हैं, शिव बाबा, कि बीमारी को छिपाओ मत, सर्जन को बीमारी बता देनी चाहिए। तो बाबा हमको बार बार कहते हैं अगर ऐसा होता है तो छिपाओ मत, बाबा को बताओ और बाबा से मदद लो। अगर आपसे नहीं होता है या उस समय जैसे बीमार व्यक्ति खुद नहीं कर सकता है, तो दूसरों की मदद लेनी चाहिए, बट टेक हेल्प, ताकि वो लंबे समय तक बीमारी नहीं चले। क्योंकि लंबे समय तक अगर वो चला ना, फिर वो एक पैटर्न बन जाता है, फिर उससे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अर्ली स्टेज में इसको देख के इसके ऊपर काम करना चालू करना चाहिए। इसको जी पोस्टपोन मत करो, छिपाओ मत। देखो कमजोरी सभी के अंदर रहती है, गलतियां सबसे होती है, जी लेकिन अगर होती है तो इमीजिएटली इसको निकालने की कोशिश करो। जितना आप टाइम लगाएंगे उतनी बीमारी बढ़ते जाती है, वो पैटर्न ब्रेन में पक्के होते जाते हैं। आप कहेंगे नहीं थोड़ा ही है, वो थोड़ा थोड़ा करके कितना बड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मतलब जितना बिगिनिंग स्टेज में अगर हम हमारे पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं तो इजी है उसे निकलना। अगर हम यस, आइडेंटिफाई नहीं करते और उसको वैसे ही चलाते हैं तो ब्रेन में वो बिल्कुल पक्का होता जाता है और फिर पक्का हो आपको जाता है, लौटना बहुत मुश्किल है। लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अर्ली स्टेज में। और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति का एक लक्षण होता है, मैं अपने जीवन में परिवर्तन करता है, कि वो तुरंत अपने को बदल लेते हैं। वाह, बहुत हाँ, अच्छी बात धीरे है। धीरे ये एक आती है अवस्था कि आपको पता चलता है कि नहीं, पिछली बार गलती किया था, इस पैटर्न में मैं बहुत समय तक अटका हुआ था, अभी फिर से ये पैटर्न आ रहा है, तो हाँ मुझे तुरंत अपने आप को बदल लेना चाहिए। बहुत अच्छा। तो एक स्पिरिचुअलिटी लाइफ में या आध्यात्मिक जीवन में एक रियलाइजेशन हमको अंदर से होता है कि तुरंत मेरे को इसको बदलना चाहिए, इसको ज्यादा समय तक नहीं चलने देना चाहिए। तो एक कड़ा अटेंशन हमारे ऊपर रहता है, ठीक है ना, तो हम इसको बदल सकते। तो स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए डोंट गो अगेंस्ट योर वैल्यूज। हम यहाँ पर ये ध्यान में रखते हैं कि जो परमात्मा शिव बाबा ने हमको गाइडलाइंस दी है जीने की, उसको वायलेट मत करो, क्योंकि आपका दिल अंदर से खाएगा। फिर आप अगर उस गिल्ट फीलिंग में गए तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, निराश हो जाएंगे,
और फिर उसमें से वो रिवर्स आ सकते कॉम्प्लिकेट। हैं, ज्यादा हाँ कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकते यस, हैं। तो अगर आप अपनी शक्ति से नहीं निकल सकते, दूसरों की मदद लो। यहाँ जी पे हम कहते हैं जैसे काउंसलर की मदद लो, साइकोलॉजिस्ट की मदद लो, या दवाई भी लो, पर उसमें से निकलो आप बाहर। ज़्यादा समय तक उधर स्टकअप मत रहो। गलती होना इज ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पर उसको उसमें से निकलने की कोशिश जी करो, है जी ना, हाँ सॉल्यूशन लो। सेकेंड जो सर्टिफिकेट है, जो हम कहते हैं दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, ये भी चैलेंजिंग है, क्योंकि खुद को बदलना अपने हाथ में रहता है, लेकिन दूसरों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। और रिलेशनशिप में हमने देखा एक्सपेक्टेशंस होते हैं बहुत एक दूसरे ज्यादा। से। दूसरों से अगर आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, तो परमात्मा शिव बाबा ने हमको बहुत अच्छा कहा, एक ही लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है शिव बाबा के महावाक्य, कि रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। जितना आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, अपने आप ही यस, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। मिलेगा। जरूरी नहीं दूसरे आपको रिस्पेक्ट दे हर बार, हाँ मतलब लेकिन वो अटेंशन आप रखे। जैसी एनर्जी डाल रहे हैं वो हाँ आपके सामने वैसा आएगा, हाँ पर नहीं आपकी ऐसा भी एक्सपेक्टेशन उस नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है कि आपको हर बार रिस्पेक्ट मिले। कोई आपका इंसल्ट भी कर सकता है, अभी वो उसका संस्कार हो सकता है, लेकिन जी उसको भी रिगार्ड के रूप में लेना है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर शिव बाबा की एक बात याद आ रही है, कि कई बच्चों ने बाबा को पूछा कि सामने वाला, मेरी कोई गलती नहीं है, और सामने वाला मुझे बार बार तकलीफ दे रहा है, तो उस समय भी क्या चुप रहे? तब बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, कि शिव बाबा ने कहा सहन करना, ये किसने कहा आपको, है ना, तो किसकी बात को आप फॉलो कर रहे हैं, जी ठीक है ना, ये ध्यान में रखो किसने कहा। अच्छा, जब आप सहन करते किसी बात का, समझो किसी ने आपका इंसल्ट किया, अपमान किया, तो उस समय आप ये सोचो कि उस व्यक्ति में तो शक्ति नहीं है, वो आपको बता रहा है देख भैया मैं तो परवश हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, लेकिन तुम तो सहनशीलता के अवतार हो, तो वो आपको याद दिला रहा है कि इट इज योर पावर, जी तो आप अपनी शक्ति में स्थित रहो, आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट स्वमान में स्थित रहो। तो यस, ये एक बेसिक बात अगर हम ध्यान में रखें, और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। पहली बात तो जो लोग दूसरों को रेस्पेक्ट इसलिए नहीं दे पाते, कि कई बार हम सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये तो जी छोटा है, इसको क्या आता है, इससे गलती हुई है, तो उस समय रेस्पेक्ट देना टफ होता है। लेकिन मैं अपने जीवन में ध्यान में रखता हूँ कि परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जिसको सब कुछ पता है, जिसको पता है कि इसने क्या क्या गलती की है, इससे क्या क्या हुआ है, उसके बाद भी उसकी जी दृष्टि नहीं बदलती है, तो मैं जी क्यों अपनी दृष्टि बदलूं? जो कर्म करेगा उसको उसका फल मिलने वाला है ना। अगर किसी से गलती भी होती है और मुझे लगता है ये रेस्पेक्ट के काबिल नहीं है, जी तो परमात्मा जैसे ऐसे समय पर रहम दिल बनकर उस आत्मा को शक्ति देता है। जी ये नहीं कहता है कि उसकी बीमारी सब जगह पे फैलाता है, ये हमको नहीं करना चाहिए। अगर किसी से गलती होती है, तो हमको रहम दिल बनकर उसको शक्ति देना चाहिए। अगर कहीं पे आग लगी है, तो हमारा काम है पानी डालना। ये परमात्मा के महावाक्य मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और मैं इसके ऊपर अटेंशन रखता हूँ। तो मुझे इसमें देखा कि उस समय मेरे को रिगार्ड देना बहुत इजी है। देखो, जब सब कुछ इजी हो रहा है ना, तो चैलेंजिंग जी कहाँ है कि सामने वाला रिगार्ड के लायक नहीं है, ऐसे मुझे लगता है उस समय रिगार्ड देना, और सामने वाला आपका अपमान कर रहा है उस समय उसको रिगार्ड के रूप में लेना, ये चैलेंजिंग है। जी पर जैसे हमारे पास ज्ञान की शक्ति आती है, हमारे पास योग का बल होता है, तब ये रिगार्ड देना और इजी हो जाता है, और तब हम संतुष्टता का सर्टिफिकेट दूसरों से ले सकते हैं। जी यहाँ पर कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हमारा बहुत जन्मों का कड़ा हिसाब किताब है, इसीलिए रिगार्ड देना बहुत मुश्किल है और हाँ हाँ लेना भी बहुत मुश्किल है, कई लोग होते हैं। जी तो उसमें भी हमको शिव बाबा ने ये बताया कि मैं मानता हूँ हिसाब किताब होता है, कई जन्मों का होता है, उस समय भी परमात्मा ने हमको जो डिस्काउंट दिया है उसमें 5% दिया है, अच्छा ओनली 5%। ओनली 5, कम से कम 95 तो आपको संतुष्ट होने चाहिए। 5% चलो मान के चलो कि बहुत जन्मों का हिसाब किताब है, और ताकत नहीं रहती है ये सब सहन करने की, तो हम थोड़ा रिगार्ड देने में कम या हो तो जाते फिर हैं। रिगार्ड नहीं देते, लेकिन हम थोड़ा सा उनसे किनारा कर यस लेते यस, हैं, है ना, दैट इज थोड़ा। इनडायरेक्टली रिगार्ड नहीं देना, वही अच्छा हुआ ना। नहीं, हमारा थॉट कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन नहीं, साथ वो में रहने से कैसे तो है? और भी ज्यादा थॉट चल रहे हैं, यस, अगर आप थोड़ा उसको दूर हो अवॉइड जाते। करना है, हाँ अवॉइड करते हैं हम तो। बाबा ने महावाक्य जो इस्तेमाल करें, इनके साथ रह के अपनी अवस्था खराब करने से अच्छा इनसे दूर रहो, तो हाँ एक तरह से आप उसको श्रापित कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से आपने उसको माफ नहीं किया हुआ रहता है।
है ना? तो ये राइट कड़ा हिसाब किताब हम समझ सकते हैं, लेकिन 95% तो हमसे लोग संतुष्ट होने तो चाहिए, पहले स्वयं से संतुष्ट होना है, फिर फिर दूसरों से, दूसरों से, और और फिर तीसरा जो सबसे इजीएस्ट सर्टिफिकेट है जो हम ले सकते हैं, भगवान से संतुष्टता। और अच्छा भगवान को एक ही बात अच्छी लगती है परमात्मा को, वो है सच्चाई सफाई। राइट बहुत अच्छा तो परमात्मा ने कहा सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। तो परमात्मा को पता है कि ये पुरुषार्थी है, ठीक है ना, माया को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। माया भी कम नहीं है, सर्वशक्तिवान है। परमात्मा के महावाक्य की, जितना हम रुस्तम बनते माया भी रुस्तम बनते जाते हैं। मैं अपने जीवन को साक्षी होके देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कितनी सूक्ष्म बातें होती है, हमको ही नहीं पता रहती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर ईगो है तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन सामने वाले को पता चलता है कि इनके अंदर ईगो है। तो जी ये बहुत सूक्ष्म अहंकार होता है, इसको पकड़ना और इससे संभाल के रहना ये बहुत टफ होता है, चैलेंजिंग। जी लेकिन हैविंग सेड दिस, हम हमेशा ये अटेंशन रखते कि हम स्टेज पर है, लोग हमको देख रहे हैं, हमारी हर बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर उतना अटेंशन हमको रखना पड़ता है। और फिर भी अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो हम सच्चे दिल से बाबा के पास जाके, परमात्मा के पास जाके कन्फेस करते हैं जी कि ये हुई, अगली बार से मैं अटेंशन रखूं। क्योंकि एक बार कोई बात हो गई ना, तो उसको बार बार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। कई जी लोग क्या करते हैं, गलती भी करते हैं फिर पश्चाताप कर, लेकिन पश्चाताप इतना करते हैं कि उसमें काफी टाइम चला जाता है। हाँ, बार बार उसी बात को बहुत लंबे समय तक दोहराएंगे, और शायद मैं समझती हूँ कि जितना दोहराते हैं कहीं ना कहीं वो गलतियां फिर से रिपीट होने के रिपीट चांसेस होने ज्यादा लग, होते हैं, यस क्योंकि ये बहुत सारे केसेस में हमने पाया है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करते तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हो रही है, फिर से वही चीजें यस। आपके पास फिर से आगे बढ़ रही है। तो पश्चाताप जरूर करना चाहिए, लेकिन वो पश्चाताप का पैटर्न नहीं होना चाहिए अंदर। हाँ पश्चाताप इसलिए करना चाहिए कि परिवर्तन होना जरूरी है। जी भले आप अपने आप को छोटी सजा दे सकते हैं, जिसके हाँ वजह से, मुझे यहाँ पर एक बहन की बात याद आई कि उन्होंने कहा कि हमारा नियम में है कि सुबह 4 बजे अमृत वेला उठना है, ये नियम है, सुबह 4 बजे अमृत वेले उठ के ध्यान करना है। लेकिन अगर कुछ कारणवश उसका अगर 4 बजे का योग नहीं होता है तो वो व्यक्ति दिन भर में खाना नहीं खाती है। तो यानी अपने आप को कुछ ना कुछ छोटी हाँ, पनिशमेंट करके फिर से वहां पर अटेंशन अटेंशन दे रही अटेंशन है। देना है। तो देखा है कि उसने अनुभव सुना है कि मैंने जब ये नियम डिसाइड किया तो अभी 20 साल हो गए, एक दिन भी मेरा मिस नहीं हुआ। बाप रे, बहुत तो ये सुंदर है, बहुत बड़ी बहुत अचीवमेंट बड़ी मैं कहूंगा। मैंने अचीवमेंट। उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि अच्छा है, आपने अपने आप को बांध के रखा है। जी क्योंकि जैसे ही रात को थका है, कल नहीं हो सकता, मैं 4 बजे उठता तो उसको नहीं खाना नहीं मिलेगा, नहीं, तो एक राइट राइट निगेटिव एसोसिएशन उसने मन के अंदर डाल के रखा है। तो ऐसा मैं कहूंगा कि अगर गलती भी होती है, कई बार हम जो परमात्मा के गाइडलाइंस है उसको क्रॉस करते हैं, तो यस एक्सेप्ट करना है उसको और अटेंशन रखना, पर उधर लूज भी नहीं छोड़ना चाहिए। चलो एक बार हो गया तो फिर से हो गया तो पक्का होते जाता है। तो स्ट्राइक करें बैलेंस, परमात्मा से माफी मांग के फिर से पुरुषार्थ करें, है ना? तो राइट ये 3 सर्टिफिकेट जो लेते हैं तो वो आत्माओं की स्टेज बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। बहुत सुंदर ये सर्टिफिकेट की बात आपने की, और यही संतुष्टता की बात संतुष्टम इसमें बात सततम की है। योगी, और ये जो शब्द है संतुष्टम सततम योगी, माना वो सतत योगी है, मतलब उनका परमात्मा से कनेक्शन हमेशा जुड़ा जुड़ा हुआ हुआ है, ही है। क्योंकि हर बात परमात्मा के साथ स्पष्ट है। मराठी में एक संत हो के उन्होंने कहा, जेते जातो तेथे तू माजा सांगते, माना उन्होंने हर क्षण परमात्मा को साथ का अनुभव मैं किया। जिधर भी जाता हूँ हाँ, तुम मेरे आप साथ हो। साथ हो। ये साथ का जो अनुभव है, ये केवल स्थूल साथ की बात नहीं है, मन और बुद्धि से साथ है। जी आप जी मन और बुद्धि आपके साथ है, ये है सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय। और इनके अंदर हमने देखा है कि धीरे धीरे एक दृढ़ता आने लगती है, हाँ और अपने आप अंदर से आपका दिल आपको गवाही देता है कि आपकी विजय निश्चित है। और वो कॉन्फिडेंस आपको ही नहीं, दूसरों को भी अनुभव होता है कि ये संतुष्ट है, सततम योगी है, यथात्मा दृढ़ निश्चय। तो नेचुरली इस स्टेज पर हम आने लगते हैं जब हम परमात्मा से ये हर बात जो हमने बताया ना, उसके साथ स्पष्ट करके उसके साथ कनेक्शन रखते हैं। तो ये जो परमात्मा में खोई हुई आत्माएं हैं, जो आपने कहा मान अपमान, निंदा सुख दुख स्तुति, सुख दुख, जय पराजय, ये पूरे आगे के 8 जो श्लोक है ठहराव उसके अंदर ये सब बातें आई कि उनके अंदर एक एक आ जाता है, एक स्थिरता आ जाती है, यस बैलेंस होना शुरू हो जाता है,
और फिर वो हर एक जगह पर अपने आप को स्थिर रखकर डिसीजन भी उसी रीति से ले सकते हैं। और उसमें एक अनुभव होता है कि आप नहीं कुछ कर रहे, वो आपके द्वारा कर रहा है। तो आपकी एनर्जी मिनिमम लगती है। तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है 21st सेंचुरी में, अगर हम नियमित राज्यों का अभ्यास करें और परमात्मा के महावाक्य सुने, उनके ऊपर मनन चिंतन करें, जैसे हमने संतुष्टता का गुण लिया, तो ये सब जो वर्णन है 13 से 20 तक, हम उस अवस्था तक जा सकते हैं। इट इज पॉसिबल। बहुत ही सुंदर। यानी जो भगवद गीता में बात कही हुई है वो प्रैक्टिकल में बहुत सारे राजयोगी जी रहे हैं। यस, ये बात आपने बताई, अपने अनुभव से बताई और इतने इजी करके बताई कि जहां पर लगता है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये सब चीजें, और आप कर रहे हो, वैसा लाइफ जी रहे हो। तो आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। जिस समय पर हमको लगता है कि यह बहुत मुश्किल है, इन गुणों को धारण करना मुश्किल है या प्रैक्टिकल लाइफ में चलना मुश्किल है, ऐसे समय पर हमारे सामने हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने, डॉक्टर सचिन ने हमारे साथ शेयर किया कि कई ऐसे लोग हैं, कई एग्जाम्पल्स के साथ में, कई केसेस के साथ में उन्होंने ये बात हमारे साथ शेयर की कि किस तरह से लोग अपने आप को एक अनुशासन में बांध कर दृढ़ता की शक्ति धारण करते हुए संतुष्टता तक कैसे पहुँचते हैं। और जो व्यक्ति संतुष्ट है स्वयं से, खुदा से, दूसरों से, जब तीनों सर्टिफिकेट ये मिलते हैं तो उसका योग हमेशा ही परमात्मा के साथ लगा रहता है। ये बातें शायद हमें बड़ी लगे लेकिन ये हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। आप सोचिए, अगर आपकी कोई भी बात है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल कर सकते या फोन से संपर्क कर सकते हैं। फिर से हम अगले कड़ी में मिलेंगे भगवद गीता के 13वें अध्याय के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।